गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम फिर से चल पड़े हैं माता रानी के दर्शन के लिए। हम कहाँ आए हैं मैं थोड़ी देर बाद बताऊँ। वो गाइस कहते हैं कि माता जब तक बुलाती नहीं है तब तक कोई उनके पास जा नहीं सकता। तो फाइनली हम डोंगरगढ़ आ चुके हैं जहाँ पे पहाड़ वाली माता रहती है बम्लेश्वरी। तो सारे लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं और हम भी चढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट बीट बढ़ जाती है स्टार्टिंग में चढ़ने से। जब तक माता के दर्शन नहीं हो जाते कोई खाए पिएगा नहीं, ये प्रण लेके हम सारे के सारे हम चले गए अपने टीम मेंबर के साथ माता रानी के दर्शन के लिए पहाड़ पे चढ़ते हुए। आपको ऊपर से मैं नज़ारा दिखाती हूँ, बहुत दूर तक मैं चढ़ चुकी हूँ और देखो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे हमारी एक सिस्टर का तबीयत खराब हो चुका था अचानक से, तो वो वहीं पे बैठ गई। हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं, हम जब स्टार्टिंग में सुबह जब मॉर्निंग में उठे थे हमें बिल्कुल पता नहीं था, अंदाजा नहीं था। हमें 10 मिनट पहले पता चला कि हमें डोंगरगढ़ जाना है और हमारी ट्रेन 9:30 बजे की थी। बहुत ही फास्ट हम रेलवे स्टेशन गए, वहां से हमारी ट्रेन लेट हो गई थी 20 मिनट। उसके बाद फाइनली माता ने हमें मतलब बुलाया था तो हम आ गए यहाँ पे और हम माता के पास जाने के लिए रेडी हैं। दोस्तों मंदिर पे ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे ज्योति कलश जलाया जाता है माता रानी के लिए। 9 दिन तक यहाँ पे जो भागवत कथा होती है वो होती है। फाइनली ऊपर से कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है, आप देख ही रहे हैं कि हम कहाँ से स्टार्टिंग किए थे और अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। गाइस सिस्टरों ने यहाँ पे कुछ सामान खरीदना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे वो खड़े हो गए। हम जब भी डोंगरगढ़ आते हैं तो हम अक्सर इसको देख के अट्रैक्ट होते हैं और ये एक तबले की तरह दिखता है। इसको रामकांदा कहा जाता है, जिसको पूर्णिमा के दिन ही मतलब ज़मीन से निकाला जाता है ऐसा कहा जाता है। तो गाइस हम यहाँ तीज के दिन आए हैं, मतलब तीसरे दिन, नवरात्रि के तीसरे दिन आए हैं और अभी बहुत कम भीड़ है। कल से बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होगी। दोस्तों फाइनली हम ये सब खाने पीने का सामान देखते हुए ऊपर की ओर जा रहे हैं माता का दर्शन करने के लिए और बहुत ही ज़्यादा हम सब थक चुके हैं और जय माता दी बोलते हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। इतनी गर्मी में माता रानी ने हम पे कुछ सहम बरसाने के लिए बारिश कर देती है और बहुत ही प्यारा मौसम बन जाता है जिससे हमें घूमने का मज़ा ही और ज़्यादा दुगुना हो जाता है। पहाड़ के ऊपर जो नीचे का नज़ारा था वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अट्रैक्टिव था, तो उसको मैं आपको सबको दिखा रही हूँ। जैसे कि सारे वीडियो में आप सभी को दिखा रही हूँ कितना प्यारा लग रहा है। और हम चलते जा रहे हैं और हमारी एक सिस्टर पीछे छूट गई है जो आराम से चढ़ रही है और उसके चक्कर में हम भी थोड़ा थोड़ा रुकते रुकते जा रहे हैं। हमें प्यारी प्यारी सुंदर सी चिड़िया मिली जो हम जा रहे थे तो सीढ़ी पे देखा, बहुत प्यारा लग रहा था। दोस्तों फाइनली दर्शन हो चुका, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा जब मंदिर के ऊपर गए तो वहाँ पे सेल्फी लेना या वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया बिल्कुल कैमरा। फाइनली हमारी तपस्या का सफल पूरा हुआ, हमारे माता रानी का दर्शन हो चुका है और हम सब नीचे आ रहे हैं। तो हमारी सिस्टर भी हमें मिल गई जो नीचे थी। अब देख रहे हैं जैसे कि अभी पब्लिक बहुत कम है, कल यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह तक नहीं होगा। हम माता का दर्शन कर लिए और प्रसाद वगैरह खरीद लिए और यहाँ पे वोटिंग वगैरह करते हैं और मैं ऊपर नीचे से आपको माता का मंदिर दिखाती हूँ। तो हम नीचे उतर रहे हैं और नीचे उतरने के बाद हम फाइनली दिखा तरी से। तो दोस्तों ये माता रानी छोटी बम्लेश्वरी कहा जाता है इनको, ये पहाड़ के नीचे वाली माता है। पहाड़ के ऊपर वाली माता का दर्शन कर चुके हैं और यहाँ का जो मंदिर का डेकोरेशन है और मंदिर जो बना है बहुत ही प्यारा बना है। और एक मैं आप सभी को माता का दर्शन कराती हूँ। और ये रही हमारी प्यारी सी माता। माता को सोने से श्रृंगार किया गया है, यहाँ पे बहुत ही सारे सोने से माँ को श्रृंगार किया जाता है। और ये फाइनल लुक मैं दिखाती हूँ कितना प्यारा झूमर लगा है। और ये मंदिर का बहुत ही प्यारा व्यू है, मंदिर में बहुत सारी प्रतिमा बनी है माँ और शिव जी का, राधा कृष्ण का, विष्णु लक्ष्मी जी का। और फिर हम मंदिर से बाहर आ गए और ये भैरव जी का मंदिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये माँ के मंदिर के जस्ट बगल में भैरव जी का मंदिर है और यहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर है जो मैं आप सभी को दिखाती हूँ। तो हमने फाइनली दर्शन कर लिया और ये सारे मंदिर हैं। तो बहुत ही प्यारा मंदिर को बनाया गया है जिसमें हर भगवान का प्रतिमा डाला गया है, आप देख ही सकते हैं सारे भगवानों का प्रतिमा लगा हुआ है। गणपति बप्पा मोरिया,
ये जस्ट पहाड़ के नीचे माता की मंदिर बनी हुई है, ये इनको छोटी बम्लेश्वरी माँ बोलते हैं और यहाँ पे 9 दिन के लिए देवी भागवत होता है। इतना सुंदर माता रानी के जो देवी भागवत हो रहा है वो इस स्थान को सजाया गया है केलों के पेड़ से। इनमें फल भी लगे हुए हैं और बहुत ही सारे पंडित माता का पूजा कर रहे हैं। 24 घंटे अखंड ज्योति जल रही है यहाँ पे। और ये माता की मंदिर है और इसके बाद हम गणपति जी का दर्शन करने के लिए गणपति मंदिर पे आ गए हैं। और हमारे गन्नू महाराज जी को मैं आप सभी को दिखाती हूँ, गणपति पप्पा मोरिया। मेरे माता से मिलने का ब्लॉग ये था और यही यहाँ पे समाप्त होता है। तो गाइस, अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी, सभी भी डोंगरगढ़ आइएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।